लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर। वैसे तो अभी पट बंद हो गए हैं, 10 बजे लगभग बंद हो जाते हैं पट। और अभी हम लोग देखेंगे मंदिर, तो घुमा दूंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे विश्राम घाट। तो चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ की गलियाँ देख के आपको समझ गए होंगे कि क्या गजब का नज़ारा है यहाँ पे। बहुत पुराने पुराने मकान हैं। ये देखिए पूरी दुकान कृष्णा जी के नाम से है, है ना। चलो बाबू। तो ये हम लोग जा रहे हैं विश्राम घाट। चंदन भी है। जय श्री राधे। लाओ घर के ₹10। अगर कम से कम 10 लोग और 10 लोग का अगर कर दिया ना, ₹100 वैसे ही हो जाएगा। दिन भर अगर रह के पूरा खर्चा निकल जाएगा। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वोटिंग। तो यहाँ पे 3 घाट का लग रहा है ₹50 और 6 घाट का लग रहा है ₹100 और 12 घाट का है ₹200 पर व्यक्ति। ये मैंने पर व्यक्ति बताया है, तो आप आएँ तो देख सकते हैं। घाट घाट घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं घाट घूमने। जल्दी 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 जल्दी। तो हम लोग जा रहे हैं ₹100 वाला 6 घाट। जमुना नदी यही है, ये देखिए। और जमुना घाट, यमुना घाट एक आती है सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घाटों के दर्शन करने, है ना। तो ₹100 लगे हैं, 6 घाट घूमेंगे। भाई घुमाएगा ये। आओ पक्षियों के साथ पक्षी आ जाएंगे। आओ 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 बोलते हैं तो पक्षी आते हैं यहाँ पे। आ गया भाई। कौन सा भैया? सर्दी सर्दी तक रहेंगे यहाँ पे। सर्दी बस में रहते हैं ये पक्षी। सर्दी बस में रहते हैं भाई पक्षी ये। आओ गेट जो बना हुआ है इसको बोलते हैं गोकुल गेट। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है गोकुल। अच्छा। जब वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान को नदी क्रॉस करा कर लेके गए थे, ऐसे निकाल के लेके गए थे। ऐसा वैसा इधर की साइड में पड़ता है गोकुल, जो गोकुल क्षेत्र में आता है। अच्छा यार। और ये सामने ये आप जो देख रहे हैं, ये अभी ये कंस का किला। वो मंदिर जाएंगे क्या भाई? क्या वो मंदिर जाएंगे ना? नहीं, बड़े वाले में आएगा। नंबर सेंड कर दो। नंबर लो व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप अरे व्हाट्सएप पे भेज दो। देखो भैया ये लक्ष्मी चंद सेठ जी का वेली। ये मंदिर बन गया था द्वारकाधीश का। अरे खंडर है अब। इसके अंदर 40 दुकान है कम से कम। 40 दुकान इसमें। ये सामने वाला जो मंदिर का ठीक सामने है लक्ष्मी चंद्र सेठ जी का है। ओ ये मंदिर विश्राम घाट जहाँ पर राजा कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया है। अरे अच्छा ये विश्राम घाट। अच्छा इसीलिए इसको विश्राम घाट बोलते हैं। कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया। तो कृष्णा ने नहीं लिया था? कृष्णा ने विश्राम लिया, इसलिए भगवान ने जो लिया था राजा कंस को मार के उसी को। जैसे यमुना जी की आरती होती है भैया सुबह शाम। सुबह शाम शाम को 7 बजे होती है, सुबह 5:30 बजे होती है। सुबह 5:30 सुबह शाम आरती होती है यहाँ पे। गाने तो बहुत ही अच्छे हैं बॉस, कुछ भी कहो। ये
ये क्या करना हो रहा है, हो गया आपको दो बीवी ने यहाँ से समाधि ली। आप जब भी घूमने आए मथुरा वृंदावन तो आप सतर्क जरूर रहें, कम से कम एक जगह के रेट 3 से 4 जगह पूछें, ऑटो के रेट जो भी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कंस के किला, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कंस जी कहाँ राज करते थे। ये आए कंस, वो तो सही में कंस जैसा दिखा रहा भाई, इस साइड ये देख रहा है, देख रहा है ना कंस जैसा। एक बात चलो कान साहन नहीं देख रहे हैं कुछ इस प्रकार है किले। ये हम लोग शायद ऊपर आ गए हैं किले के, नहीं अभी बचा है, बहुत लंबा रास्ता है किला का। ये सब नगरी देखो, कंस की नगरी माँ की इल्ली। ये एंट्री गेट, एक से एक पोज में बंदर। ये हम लोग हैं अभी कंस के किला के ऊपर। एक बात तो है यार, मथुरा में बंदर बहुत हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ से व्यू गंगा मैया का। ये गंगा मैया, यो कंस मामा, बंदरों का इलाका है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन, तो यहाँ तक का लगा है 20-20 रुपए। मथुरा से हम लोग ना कंस की नगरी घूमे और उसके बाद हम लोग आए हैं वृंदावन, तो यहाँ तक का 20 रुपए लगता है। पर आप ज़्यादा ना दें, 20 से ज़्यादा 30 रुपए दें और उससे ज़्यादा ना दें, यहाँ पे ऑटो वाले बहुत ही ठगते हैं, तो आप देख लें अपने हिसाब से। तो चलिए चलते हैं, अब मंदिर घूमेंगे और 2-3 मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे, 4 से 5 मंदिर बड़े बड़े हैं, वो सब घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं वृंदावन में। आपको वृंदावन में पूरे मंदिर घूमने हैं तो आप कंस की घूम के, कंस की नगरी घूम के, तो टेम्पो स्टैंड बोल के यहाँ तक आ सकते हैं, ना तो वो आधी रास्ते में छोड़ देते हैं, टेम्पो स्टैंड बोल कर आए, नहीं तो आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं टेम्पो टेम्पो वाले। सावधान रहें और सतर्क रहें। रंग मंदिर देखने के लिए तो बने रहिए इस व्लॉग में कंटिन्यू, रंग मंदिर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, दैट्स अ व्यू ऑफ प्रेम मंदिर। क्या है रंग मंदिर, रंग मंदिर ये प्रेम मंदिर थोड़ी ना, ये पोशाक मिल जाएंगी रंग मंदिर की। अले लीला घर, ये देखिए, चलिए लीला घर चलते हैं।